आज हम बनाएंगे भै पालक की सब्जी। तो सबसे पहले हम भै ले लेंगे, जिसको हम लोटस रूट भी कहते हैं। भै इसको सिंधी में कहते हैं और इंग्लिश में इसको लोटस रूट कहते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से धोने के बाद छील लेना है। छीलने के बाद इसको अच्छी तरीके से काट लेना है, ना ही ज़्यादा मोटा मोटा काटना है, ना ही ज़्यादा पतला काटना है। फिर इसको अच्छी तरीके से काटने के बाद पालक भी आप काट लीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो इसको काटने के बाद आपको पालक भी काट लेनी है। पालक काटने के बाद इन दोनों को साथ में हम बॉईल कर लेंगे। अगर हम साथ में बॉईल करेंगे तो ये जल्दी बॉईल हो जाएंगे। तो हम इसको आधे घंटे के लिए या उससे भी ज़्यादा रख सकते हैं आप बॉईल करने के लिए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, फिर इसको बॉईल रख देंगे आधे घंटे के लिए। फिर आप एक कढ़ाई ले लें, जिसमें 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाल दें और इसमें 1 मीडियम साइज का प्याज डाल दें। फिर इसमें हम ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, 3 कटी हुई चॉप्ड। फिर हम इसमें लहसुन डाल देंगे। फिर इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आपको ऑनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक का इंतज़ार करना है। फिर इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें आप। फिर मिक्स करने के बाद हमने जो बॉईल की थी पालक और लोटस रूट, उन दोनों को उसमें डाल देंगे। डालने के बाद इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आपको इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फिर इसमें हम 4 से 5 चॉप की हुई टमाटर डाल देंगे। फिर इसको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फिर टमाटर आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छी तरीके से गल चुके हैं और टमाटर ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। फिर इसमें हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फिर इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे कटी हुई। फिर मीडियम फ्लेम पर रख देंगे, फिर इसको ऑफ कर लेंगे। फिर आप इसको प्लेट में डाल के रोटी के साथ भी खा सकते हैं,
चावल के साथ भी खा सकते हैं। और हमारा सालन अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब आपकी मर्जी है, आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या फिर चावल के साथ। फिर मैं इसको चावलों के साथ खाऊंगी। तो मैंने चावल निकाल लिए हैं, अब मैं साइड में सालन निकाल लूंगी। अब मैं चावलों के साथ टेस्ट करके देखती हूँ इसको। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।